शहर में लगातार हत्या की वारदातें सामने आ रही है। एमआईडीसी के बाद हिंगना और सोमवार रात प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक वारदात हुई। बताया जाता है कि दुकानों को लेकर किराएदारों से विवाद चल रहा था। दो लोगों ने धारदार हथियार से एक व्यवसायी की हत्या कर दी। व्यवसायी का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। मृतक गोपाल नगर निवासी अनिल पालकर बताया गया। पुलिस ने चंदन और शाहू नामक किराना दुकान व्यवसायी को हिरासत में ले लिया। अनिल संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। वाना डोंगरी परिसर में अनिल का पालकर सभागृह भी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है। सनकी स्वभाव होने के कारण अक्सर अनिल का किसी न किसी से विवाद होता था। अनिल ने गोपाल नगर तीसरा बस स्टॉप के समीप अपनी दो दुकान किराए पे दे रखी थी। संतोष शाहू यहाँ लक्ष्मी किराना और अन्ना नामक व्यक्ति अपनी बेकरी चलाता है। बताया जाता है कि दुकान खाली करवाने को लेकर अनिल का शाहू और अन्ना से विवाद चल रहा था। दोनों दुकानें खाली करने को तैयार नहीं थे, इसलिए पिछले 4-5 महीने से अनिल नए नए हथकंडे अपनाकर दोनों पर दबाव डाल रहा था। सोमवार की शाम भी अनिल शराब पीकर दुकान के सामने पहुंचा। हमेशा की तरह बाहर खड़े होकर गाली गलौज करने लगा। इस दौरान अनिल ने दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर पेशाब कर दी। इस समय दुकान में ग्राहक भी मौजूद थे। दुकान के सामने पेशाब करने के कारण शाहू आग बबूला हो गया। शाहू और अन्ना की दुकान पर काम करने वाले नौकर चंदन ने अनिल को फटकार लगाई। वह गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान दोनों ने धारदार हथियार से अनिल पर हमला बोल दिया। गर्दन और पीठ पर वार कर अनिल को ढेर कर दिया। अनिल को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शाहू और चंदन को हिरासत में ले लिया। देर रात तक उनसे पूछताछ जारी थी। जानकारी मिली है कि शाहू और अन्ना कई दिनों से अनिल को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहे थे। अनिल पर 2014 में हिंगना थाना क्षेत्र में सुनील तिवारी नामक व्यक्ति की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। तब से अनिल वाना डोंगरी छोड़कर गोपाल नगर में रह रहा था। गोपाल नगर तीसरा बस स्टॉप येथे अनिल पालकर म्हणून राहतात आणि तिथेच त्यांचे भाडोत्रे आहेत। एक बेकरीवाला आहे आणि एक शाहू म्हणून आहेत, ते किराणा दुकान चालवतात। त्याच्यासमोरच एक विधवा महिला आहेत, संगीता गायधने। ते नारळाचं तिथं नारळ रस्त्याच्या बाजूला नारळ ठेवून विकतात। ते महेश जे आहेत अनिल पालकर, हे काल दारोजनाशामध्ये त्या महिलेला काहीतरी शिवीगाळ करत होते, तेव्हा हे बेकरीमध्ये काम करणारा चंदन नायर यांनी कशाला किंवा बाई महिला लेडीज पण किंवा गाली देत आहे असं विचारलं गेलं। ते दोघांमध्ये भांडण सुरू झाला त्याच पिरियडमध्ये। आणि हा बाजूलाच राहणारा किराणा दुकानाचा संतोष शाहू हाही तिथे आला आणि हा पुन्हा हा दोघांना पण शिवीगाळ करू लागला। मग त्या रागाच्या भरात त्यांनी हातावकीने मारले आणि ते संतोष शाहूला जास्तच राग आला। त्यांनी ते दुकानाचं छोटं चाकून पटकन त्याच्या अंगावर 2-4 वार केले। त्यात तो जागीच पडला आणि नंतर हे लोक निघून गेले आणि त्याचे घरचे आणि आमचे बीट मार्शल पोहोचले, त्याला हॉस्पिटलला नेले। डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केलं। त्यानुसार आम्ही 302-34 बहादवी असं या कलमाखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आणि दोन्ही आरोपी चंदन आणि हा संतोष शाहू हे दोघं फरार झाले होते। रात्रभर इकडे तिकडे ट्रॅप लावून त्याला सकाळी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। सकाळी म्हणजे दुपारी 12-12:30 वाजता। आता त्याला अरेस्ट करून त्या कोर्टात आम्ही हजर करतो। दुसरा चंदन नायर याचा शोध सुरू आहे। आरोपीच्यावर कोणत्या प्रकारचे गुन्हे नाही, ते पहिलंच गुन्हा आहे ते दोघांच्यावर। रेकॉर्डवर गुन्हा नाही त्यांच्यावर।